साथियों, ये जो आप ईंटें देख रहे हैं, इन ईंटों में एक कॉमन क्रेट सांप जो है वो छिपा हुआ है। और ये काम जो है वो हमारे आलमपुर में भागी जी के घर में ये काम लगा हुआ है। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई जी सीटू स्पैया जी भी साथ में आए हुए हैं। ये भी वन्य जीवों से जो है वो बहुत प्यार करते हैं, और वो प्यार ही इनको जो है वो मेरे साथ यहाँ तक ले आया है। तो साथियों, देखते हैं ये कॉमन क्रेट कहाँ छिपा हुआ है। तो ये आपके सामने जो है कॉमन क्रेट निकाला जाएगा। साथियों, ये सांप ऐसा सांप है जो भारत में पहले नंबर पर है। आपको पहले भी मैं कई बार जानकारी दे चुका हूँ कि ये इतना ख़तरनाक सांप है कि इसकी 1 ml की 1 ml बूंद से भी मृत्यु हो सकती है। कोबरे की 4 बूंदें और इसकी 1 बूंद। तो साथियों, ये बहुत ही ख़तरनाक सांप है। इसे साइलेंट किलर स्नेक भी कहा जाता है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो बुंगारुस है। तो इसको बुंगारुस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये 1 meter के लगभग है, लेकिन ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई जो वो 6 फुट तक हो सकती है। और भारतवर्ष में ये हर जगह पाया जाता है। और इसका जो निकलने का समय वो, ये इसको निशाचर कहा जाता है। ये रात को ही एक्टिव होता है, लेकिन ये ईंटें उठाई जा रही थी तब ये अचानक से इनकी नज़र पड़ी तो इन्होंने फोन किया। दोस्तों, ये बहुत ही जहरीला सांप है। कभी भी इसके काटने पर आपको सबसे पहले आपकी पलकें बैठना शुरू हो जाएंगी, उसके बाद पेट में ऐंठन शुरू हो जाएगी, उल्टी को दिल करेगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसे आपको आपका ऐसे सिम्टम आपको दिखाई देते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल निकलिए, क्योंकि इसके काटने के बाद 2-3 घंटे बाद ही इसका रिएक्शन होता है। तो कभी भी ये सांप काट ले तो घर में मत बैठे रहो, क्योंकि घर में कोई इलाज नहीं है। हॉस्पिटल में डॉक्टर ही आपकी जान बचा सकता है। तो तुरंत अगर ऐसा सांप आपको काट ले और ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें कि आपका मन मचला उल्टी को मचला रहा हो, आपकी पलकें बैठ रही हो, पेट में बहुत दर्द हो रही, जैसे खून में मिर्च डाली जाती है उसकी तरह जलन हो रही हो, पसीना आने लग रहा हो और सांस रुकने शुरू हो रही थोड़ी थोड़ी, तो हमेशा एक ध्यान जो है आप सांप की तरफ भी सोच लो कि कहीं कॉमन क्रेट जो वो सांप आपको काट तो नहीं गया। तो कभी भी ऐसा हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें, क्योंकि डॉक्टर के अलावा आपकी कोई भी जान नहीं बचा सकता है। हमारे सीटू भाई जी हैं, वो भी वन्य जीवों के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं। हर रोज़ गौओं को जो है वो अपनी दुकान के पास जो हर रोज़ बिना नागा जो गौओं को खाना खिलाते हैं। तो मैं ऐसे इन महान विभूतियों का, इन महान हस्तियों का भी, इनको भी नमन करता हूँ जो इन वन्य जीवों बेसहारा बेजवान चीज़ों की सेवा करते हैं। और भगवान इनको खूब लंबी आयु दे और इनको तंदुरुस्त रखे। दोस्तों, इसको पकड़ कर मैं अब रेस्क्यू करके इसको दूर जंगल में रिलीज़ कर दूँगा, ताकि ये अपने इस जंगल में जाके, अंधेरा हो गया था दोस्तों इसको छोड़ने में, तो अब हम जंगल में आ गए हैं और इसको रिलीज़ कर देते हैं। दोस्तों, ये भी हमारे पर्यावरण के मित्र हैं, इन्हें भी जीने का हक है। तो दोस्तों, जियो और जीने दो। राम राम साथियों, शुभ रात्रि। राम राम, शुभ रात्रि।